इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे। योग के फायदे और क्यों योग हमारे जीवन में जरूरी है उसके बारे में वो बता रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।